उत्तराखंड में जहां एक और त्रिवेंद्र सरकार अपने 3 साल की उपलब्धियों को जनता को बतलाना चाहती है, तो वहीं 3 साल नाकामियों को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतरा है और लालटेन लेकर सरकार के विकास कार्यों को ढूंढ रहा है। सड़क पर विपक्ष, हाथ में लालटेन, विकास की खोज, सरकार पर हल्ला बोल। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की 3 साल के कार्यकाल में विकास कार्य को ढूंढने के लिए कांग्रेस लालटेन के सहारे हल्द्वानी की सड़कों पर निकली, जहां हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालटेन यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हितेश, पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत, किशोर उपाध्याय समेत अनेक कांग्रेस नेता इस रैली में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 3 सालों में राज्य सरकार ने सिर्फ प्रदेश की जनता को विकास के नाम पर छलने का काम किया है। इसके अलावा बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बेकाबू है, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के नाम पर सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस राज्य सरकार के विकास कार्यों को लालटेन से ढूंढने निकली है। की जनता परेशान है, दुखी है, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण कल की बातें हो गई हैं। सरकार ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन तमाम वादों को जो है सरकार ने धत्ता बताने का काम किया है। ये तो शुरुआत है, आगे अभी और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी बहुत लड़ाई लड़नी है। कोई काम नहीं हो रहा है, लोग महंगाई से पीड़ित हैं, बेरोजगारी से पीड़ित हैं, आर्थिक मंदी से पीड़ित हैं, क्रय शक्ति खत्म हो गई, किसान व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, तो लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। वही कांग्रेस का कहना है कि अभी भी लालटेन से राज्य सरकार का विकास कार्य नहीं दिखा, तो अलग अलग विधानसभाओं में भी कांग्रेस लालटेन के जरिए विकास को खोजने की कोशिश करेगी। फिलहाल कांग्रेस बीजेपी को उसके 3 साल के कार्यकाल के जरिए घेरने की कोशिश के तहत 2022 के लिए अपनी सियासी जमीन को पक्की करने की कोशिश में है। हल्द्वानी से दिनेश पांडे, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।